Hey, what's up, guys? Welcome back to Modify Vlogs. This is Amit here, and today in this video, we're going to talk about Vedanci's backrest. So, here we have a package Vedanci ka, jisko aaj hum karenge unbox and isko karenge install apne Bultoo pe. And iske baad saari detail main aapko bataunga kahan se le sakte ho, kitne price ka hai, and kya kya features hai iske. So, kafi interesting video rehne wala hai. Make sure us video ko intak zarur dekhiye. Now, without wasting any more time, let's begin. तो गाइस ये देख सकते हो, ये है पैकेज. सामने की तरफ आपको Vedanci लिखा हुआ रहेगा एंड ऊपर ये ब्रांडिंग दी है, Vedanci लिखा हुआ है. साइड की तरफ सेम ब्रांडिंग एंड इवन ऑन दिस साइड. और इस साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कॉम्पैक्ट बैकरेस्ट C1 एंड कलर इज ब्लैक. प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 1845. क्वान्टिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है इसका जो बैकरेस्ट है एंड यहाँ पे उनकी वेबसाइट और QR कोड लिखा हुआ है. सो बस यही कुछ है, जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ मैं. सो खोल लेते हैं इसको. तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये आता है. तो इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड देख सकते हो ये है बैकरेस्ट. अभी ये थोड़ा सा डिसफिगर दिख रहा है बिकॉज टाइटन नहीं है. आप देख सकते हो पीछे की तरफ यहाँ पे एलन की है. एंड यही रीज़न था ये काफ़ी डिले हो गया वीडियो, बिकॉज मेरे पास सही टूल्स नहीं थे. एनीवेज अब मेरे पास एलन की मैंने मंगा लिए हैं. एंड ये देख सकते हो यहाँ पे इसके रिबिट्स को कवर करने के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं जो कि आप निकाल सकते हो. और यहाँ पे आप पीछे वाला कैरियर लगा सकते हो, तो इसके लिए वो भी ऑप्शन दिया हुआ है. एंड ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी ड्यूटी बिल्ट है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में दिया हुआ है ये, तो आप इजीली होल्ड भी कर सकते हो बाइक को. जैसे आगे पीछे करना होता है तो बैकरेस्ट में ये दिक्कत आती है, बट यहाँ पे आपको ये मिलता है. एंड ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी थिक मेटल से ये बना हुआ है. दिस इज़ एक्चुअली माइल्ड स्टील. एंड इसके बारे में साइड डिटेल में आपको दूंगा क्या क्या है इसके बारे में. और इसके अलावा यहाँ पे मिलता है, इसके अंदर यहाँ पे आपको ये मिलते हैं. सो ये देख सकते हो ये बोल्ट को हटा के ये एलन वाले बोल्ट लगेंगे यहाँ पे. सो ये चीज़ है. तो इसके लिए आपको ये चार मिलते हैं दोनों साइड के लिए, दो दो. पीछे की तरफ आप देख सकते हो Vedanci की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है. एंड कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जब ये पूरी तरह से लॉक हो जाएगा सीट के हिसाब से, तो आप इसको लॉक कर सकते हो. और बाय द वे इसके लिए टूल्स जो जिसके मैं बात कर रहा था, वो टूल्स मैंने मंगा लिए हैं. तो ये है स्टैनली का टूल किट. बेसिकली दीज आर एलन की सेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 का पूरा सेट है. इसको मैंने ऑलरेडी खोल लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहता है. तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये पूरे सेट हैं, 1.5 से लेके यहाँ पे 10 mm तक का आपको एलन की का पूरा सेट है. सो इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहाँ से. अब ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पीछे लग जाएगा, ठीक है. तो देखते हैं किस तरह का लगेगा. अभी फ़िलहाल के लिए हमको पहले वाला निकालना पड़ेगा. तो ये स्टॉक, ये एक्चुअली स्टॉक तो नहीं है, बट ये आफ्टर मार्केट है जो सीट कवर के साथ आते हैं. सो ये मैंने वो लगाया. वैसे स्टॉक वाले में कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक रॉड होती है जो आप सही से पकड़ भी नहीं सकते, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है. एंड पिलियन के लिए तो बिल्कुल लगती है, इसके लिए मैंने ये फोम वाले लगा दिए थे. बट इसका भी आप देख सकते हो यहाँ से फट रहा है एंड कोई यूज़फुल नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं मिलती बैक पे, तो दैट्स व्हाई मैं ये वाला लगा रहा हूँ. सो गाइस चलिए इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं एंड इसके बारे में आपको डिटेल्स में दूंगा फिर साथ साथ. तो ये 10 नंबर का स्पैनर से मैं इसको खोल रहा हूँ. आपके टूल किट में ये बिल्कुल होगा, 10 नंबर स्पैनर बिल्कुल कॉमन रहता है, तो काफ़ी सारे बोल्ट्स इससे खुलते हैं. तो इसके लिए आपको बस इसको यूज़ करना है और इसको खोल लेना है. चलो इस साइड का शायद खुल नहीं रहा है, दूसरी साइड से ट्राई करते हैं. तो गाइस यहाँ पे मैंने सीट निकाल दिया है, प्रॉपरली से नहीं निकल रहा था इसलिए मेरे को सीट निकालना पड़ा. तो आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है क्योंकि सीट निकल चुकी है तो काफ़ी इजीली हो जाएगा. तो अब ये लगा लेते हैं अपन बैकरेस्ट Vedanci का. ये एक्चुअली काफ़ी हैवी है, मतलब सीट का वेट अराउंड 4-5 kg होगा, तो लगभग ये भी 3 से
जा रही है इसका वेट, तो चलो इसको लगाता हूँ मैं। अब देख सकते हो फाइनली इंस्टॉल कर दिया है मैंने और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड जो लुक है ओवरऑल बाइक की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, एंड ऑल्सो दिस विल हेल्प इन गिविंग द कम्फर्ट फॉर द पिलियन राइडर। सो गाइस देख सकते हो ये जो वरदानची वाला बैकरेस्ट है ये एक्चुअली इंस्टॉल हो सकता है क्लासिक, इलेक्ट्रा एंड स्टैंडर्ड, तो रॉयल इनफील्ड की तीनों बाइक्स पर लग सकता है। एंड इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये बोल्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल बोल्ट होते हैं उसकी जगह ये बोल्ट लगेगा। वैसे आप वो भी यूज़ कर सकते हो बट दिस एक्चुअली लुक्स बेटर ऑन दिस। सो ये इंस्टॉल करना है एंड पीछे ये दो बोल्ट हैं इनको भी आपको एलन की से टाइट करना है, बस इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बाय द वे ये जो बैकरेस्ट है ये जावा 42 एंड जावा क्लासिक के लिए भी आता है, एंड बेंटली इंपेरिले 400 के लिए भी आपको ये मिल जाएगा। तो सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। सो बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये 6 mm का स्टेनलेस स्टील दिया हुआ है जो कि एक्चुअली माइल्ड स्टील में कन्वर्ट किया है फॉर दी एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी इसका पूरा डिज़ाइन है, मतलब देख सकते हो काफ़ी थिक मेटल दिया है। नॉर्मली जो बैकरेस्ट आते हैं वो हॉलो ट्यूब्स होते हैं बेसिकली, तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं। एंड बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन दिया है, तो आप इसके लिए कैरियर लगा सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे दो आप देख सकते हो ये क्लोजर्स हैं, सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ये वरदानची के दो बटन्स टाइप के लगे हुए हैं, बट आप उसको निकाल के और यहाँ पे कैरियर अटैच कर सकते हो, तो इनका कैरियर का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। सो यू कैन सी दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ सेटिन फिनिश जो कि मैट जिसको कहते हैं, तो बिल्कुल जो बाइक की कलर है बिल्कुल इससे मैच करता हुआ यहाँ पे सेटिन फिनिश दिया हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली 70 माइक्रोन थिकनेस का इसके ऊपर पाउडर कोटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का एक पेंट माना जाता है। तो बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बैकरेस्ट का फंक्शन है वो है इसका कम्फर्ट, तो देख सकते हो यहाँ पर पैडिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, जस्ट लाइक योर सीट यहाँ पर पैडिंग बहुत अच्छी दी है, एंड यहाँ पर एक होल भी दिया हुआ है विच इज़ एक्चुअली फॉर दी वेंटिलेशन। तो जब गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि जब विलियन यहाँ बैठता है तो बैकरेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, तो उसको ही अवॉइड करेगा बिकॉज यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है, तो एयर पास थ्रू होगी एंड कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो उस पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है, इनोवेटिव डिज़ाइन है। सो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक मीटियोर का जो बैकरेस्ट है बिल्कुल वैसे ही दिखता है, इनफैक्ट उससे बेटर है डिज़ाइन के मामले में अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पे फिट एंड फिनिश देख सकते हो, काफ़ी अच्छी पूरी डिज़ाइन दी हुई, कटआउट्स यहाँ पे कटआउट्स दिए हुए हैं एंड काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, तो काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन है। सो फिलहाल तो मैंने अभी सिर्फ बैकरेस्ट अपग्रेड किया है एंड कुछ टाइम बाद में यहाँ पे जो कैरियर है उसको इंस्टॉल करवा दूँगा, तो उससे मेरी जो लॉन्ग राइड्स हैं उसके लिए यहाँ पे टेल बैग का ऑप्शन बन जाएगा, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कम्फर्ट के मामले में बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो पैडिंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी है एंड प्रीमियम स्टिचिंग दी है, यहाँ पे देख सकते हो नायलॉन थ्रेड से पूरी स्टिच है, बट ये एक्चुअली ब्लैक कलर में है, इसमें ब्राउन का ऑप्शन नहीं मिलता है, सो दैट इज़ वन डाउनसाइड फॉर मी बिकॉज मैचिंग नहीं मिला मुझे, बट अगेन ब्लैक पूरा बाइक ब्लैक है तो सीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैकरेस्ट का कि ब्लैक है कि ब्राउन। एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट टॉल, सो जब भी आप बाइक से उतरते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। यू कैन गेट दिस फ्रॉम वरदानचीज ऑफिशियल वेबसाइट, सो सारी लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। एंड इन फ्यूचर मैं और भी कुछ प्रोडक्ट्स वरदानची के ट्राई करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग मोटिफाइड ब्लॉग, स्टे सेफ, राइड सेफ,
एंड बाय। To change your